मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता और सांसद ज्योतिराज सिंधिया ने केंद्र से की मध्य प्रदेश वासियों हेतु 5 सूत्रीय बड़ी मांग। मध्य प्रदेश वासियों को होगा बड़ा लाभ। दोस्त स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता ज्योतिराज सिंधिया के केंद्र सरकार से की गई मांगों के विषय में। क्या जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, सांसद ज्योतिराज सिंधिया ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र, नए साल पर की ये 5 बड़ी मांगे। दोस्तों, बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया प्रदेश के विकास को लेकर लगातार केंद्रीय नेताओं से बड़ी मांग कर रखे हैं। ज्योतिराज सिंधिया ने बीजेपी में शामिल होने के बाद से अब तक मध्य प्रदेश के लिए 5 बड़ी मांग रख चुके हैं। इस बीच ग्वालियर शहर में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता ज्योतिराज सिंधिया ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर बड़ी मांग की है। दरअसल, राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया ने धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखे हुए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात सेल यार्ड ग्वालियर में ही बने रहने देने का अनुरोध किया है। पत्र भी ज्योतिराज सिंधिया ने लिखा है कि ग्वालियर स्थित यार्ड में स्टील अथॉरिटी को लेकर सभी गतिविधियां बंद कर दी गई हैं और ठेकेदारों के कंस्ट्रक्शन भी रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं। ज्योतिराज सिंधिया ने अपने पत्र में लिखा है, ग्वालियर स्थित स्टील यार्ड की गतिविधि बंद होने से कारोबारी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर से स्थित स्टील यार्ड में अंचल के सभी फैक्ट्रियां और 150 बड़े कारोबारियों को प्रति महीने 2000 टन स्टील की आपूर्ति की जाती है। अब ऐसी स्थिति में यदि स्टील यार्ड बंद हो गया तो व्यापारी और उद्योगपति को स्टील की आपूर्ति के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर होना पड़ेगा। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया ने धर्मेंद्र प्रधान से मांग की है कि 44 साल पुराने स्टील यार्ड को ग्वालियर में यथावत रहने देने का पर पुनर्विचार करें और स्टील यार्ड को ग्वालियर में ही बने रहने दें। बता दें कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ग्वालियर स्थित स्टील यार्ड को लियर से हटाकर कानपुर भेजे जाने का निर्णय लिया।